नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के लोकप्रिय खेल कुश्ती को अब प्रदेश में नया आयाम तक पहुंचाने के लिए वरिष्ठ कुश्ती खिलाड़ी, युवा कुश्ती पहलवान और कुश्ती प्रेमियों के लिए दिन रहा है। आज बालाघाट के निजी होटल में प्रदेश इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ के अध्यक्ष तरुण भनोट के आह्वान पर कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष अरुण यादव ने बालाघाट नगर के युवा समूह समाज सेवी अनुराग चतुर्मोहता को इंडियन फ्री स्टाइल कुश्ती संघ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे अब यहां कुश्ती खिलाड़ियों के लिए उम्मीद जागी है कि उन्हें प्रदेश स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाने के लिए आर्थिक एवं संसाधनों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि बालाघाट जिला एक कुश्ती प्रेमियों का जिला रहा है। यहाँ ऐसे अनेक पहलवान हैं जिन्होंने प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर बालाघाट का नाम रोशन किया है। इस तरह आने वाले समय में भी बालाघाट जिले का नाम इंडियन स्टाइल कुश्ती में हो सके, इसके लिए अनुराग चतुर्मोहता को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान प्रमुख रूप से इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण यादव एवं अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में वरिष्ठ बालाघाट जिले के पहलवान एवं युवा पहलवान भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि अब वर्तमान में मोबाइल युग एवं डिजिटल युग आ गया है, जिसे आज के बच्चे अपने पारंपरिक खेलों को छोड़कर आधुनिक खेलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि हमारा पारंपरिक खेल कुश्ती है। कुश्ती धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसे बढ़ाने के लिए हमारा संगठन लगातार प्रयासरत है एवं कुश्ती खिलाड़ियों के सामने अधिकांशतः अच्छे खलीफाओं की आवश्यकता एवं आर्थिक एवं बुनियादी आवश्यकताओं की कमी के कारण प्रतिभावान खिलाड़ी भी पीछे रह जाते हैं। इस कारण उन्होंने बालाघाट जिले के समाज सेवी अनुराग चतुर्मोहता को जिला अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि अनुराग चतुर्मोहता का कहना है कि अगर कुश्ती में बालाघाट जिले का युवा पहलवान अपनी प्रतिभा दिखाता है तो उसमें बालाघाट एवं प्रदेश का नाम बढ़ेगा और हमारा उद्देश्य यही है कि बालाघाट जिले का नाम देश में प्रदेश में जाना पहचाना जा सके। उसमें से एक खेल कुश्ती जिसमें हमारे देश का प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए पूरे देश में ये लहर चल रही है कि भाई कुश्ती को एक नया नेतृत्व और एक मजबूत नेतृत्व दिया जाए। उसी तारतम्य में पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासक बड़े भाई आदरणीय तरुण भानोट जी और हमारे अर्जुन यादव जी द्वारा मुझे बालाघाट जिला कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अब इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद बालाघाट में जो ये हमारी मट्टी की कुश्ती है उसको बढ़ावा देने के लिए जितना अधिक प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ बालाघाट केसरी हम अप्रैल माह में कराने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम बड़े लीडरों से संपर्क करके बहुत जल्दी मध्य प्रदेश केसरी भी हम बालाघाट विधानसभा के अंतर्गत कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप क्या मानते जो मिट्टी कुश्ती धीरे धीरे समाप्ति की दौर में उठाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कुश्ती संघ अभी तो नहीं बहुत पहले से भाई तो धीरे धीरे भारतीय इंडियन स्टाइल कुश्ती खत्म होगी, फ्री स्टाइल पे आ गया है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा, तो क्या लगता है कि इसको समाप्ति के दौर आ रहा है क्या? देखिए, एक्चुअली इसका जवाब जो है वो खुद निरंतर जो है वो देखने मिल रहा है। जवाब इसका ये है कि पहले हम लोग पश्चिम सभ्यता की ओर लगातार बढ़ रहे थे, अब लेकिन पिछले 8-10 साल के अंदर में वापस से भारतीय संस्कृति की तरफ बढ़ने का पूरे देश के अंदर में बल्कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर में भी अब वो इंडिया को अडॉप्ट करने लगे हैं। इंडिया में जिस तरीके से योग पे जिस तरीके से कार्य होता है उसी तरीके से ये कुश्ती जो मट्टी वाली कुश्ती है वो मट्टी वाली कुश्ती की तरफ भी लोग अब आकर्षित हो रहे हैं। लगातार अब आने वाले खेलो इंडिया के अंदर या फिर ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के अंदर में मट्टी वाली कुश्ती को भी मान्यता बहुत जल्दी मिल रही है और इसके साथ ही हम अब जो ओलंपियाड होते हैं और वर्ल्ड कुश्ती रेसलिंग होती है तो उसमें भी हम मट्टी वाली कुश्ती को बहुत जल्दी देख पाएंगे।